नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है नई दिल्ली, बी है बंगलुरु, सी है कोलकाता और डी है अहमदाबाद। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है नई दिल्ली। देखिए 27 से 29 मई 2020 के बीच भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों का क्या है सम्मेलन कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। और यह सम्मेलन पहले होने वाला था कब, अप्रैल 2020 में, लेकिन कोरोना महामारी के कारण क्या हुआ था, इसे स्थगित कर दिया गया था। और अब 27 मई से लेकर के 29 मई 2020 के बीच ये सम्मेलन संपन्न हुआ है। दोस्तों इस करंट अफेयर्स की PDF जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में थियरी डेलापोर्ट, कौन है थियरी डेलापोर्ट को कौन सी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर CEO। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए है इन्फोसिस, बी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, सी है विप्रो लिमिटेड और डी है मास्टर कार्ड। और तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है विप्रो लिमिटेड। देखिए थियरी डेलापोर्ट को क्या है IT कंपनी या फिर IT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी विप्रो लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। और किसकी जगह नियुक्त किया गया है, वो है अविदाली नीमच वाला। तो किसका स्थान ले रही है, अविदाली नीमच वाला का स्थान ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पुरुष एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है लियोन मेसी, बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी है रोजर फेडरर और डी है लेब्रॉन जेम्स। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है रोजर फेडरर। देखिए दिग्गज टेनिस स्टार जो रोजर फेडरर हैं वो क्या है, टेनिस खिलाड़ी हैं या फिर टेनिस स्टार भी कहा, टेनिस स्टार हैं। देखिए ने क्या है, कोरोना वायरस के बीच फोर्ब्स सूची में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं लियोन मेसी को पछाड़ दिया है। और फोर्ब्स की सूची के अनुसार फेडरर जो हैं वो क्या है, दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। और रिकॉर्ड इन्होंने क्या है, 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले फेडरर ने क्या किया है कि 12 महीने में 8 अरब रुपए की कमाई की है। मतलब पिछले 12 महीनों में इन्होंने 8 अरब रुपए की कमाई की है। देखिए पहले नंबर पर जो है वो है रोजर फेडरर, और किस खेल से संबंधित हैं ये, टेनिस से, और इनकी जो इनकम है वो कितनी है, 8 अरब रुपए। दूसरे नंबर पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किस खेल से संबंधित हैं, फुटबॉल, और इनकी इनकम है 7.94 अरब रुपए। तीसरे स्थान पर हैं लियोन मेसी जो है फुटबॉल से संबंधित, और इनकी जो इनकम है वो है 7.86 अरब रुपए। और चौथे नंबर पर हैं नेमार, और जो इनकी इनकम है वो है 7.22 अरब रुपए। और अगर वहीं बात की जाए कि शीर्ष महिला खिलाड़ियों की बात की जाए, तो उसमें सबसे अधिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं वो कहाँ की हैं, जापान की, और टेनिस से संबंधित हैं, उनका नाम है नाओमी ओसाका। और इन्होंने क्या है 2.82 रुपए, जो सॉरी 2.82 अरब रुपए की कमाई की है। देखिए पहले नंबर पर है नाओमी ओसाका, कहाँ की, जापान की, 2.82 अरब रुपए के साथ। और दूसरे नंबर पर है सेरेना विलियम्स, अमेरिका की, 2.72 अरब रुपए की इनकम के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में एथलीट किरणजीत कौर पर विश्व डोपिंग रोधी संस्था या जिसे शॉर्ट में वाडा भी कहा जाता है ने 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बताना है कि किरणजीत कौर जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है साइकिलिंग, बी है गोला फेंक, सी है भाला फेंक और डी है दौड़। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है दौड़ या फिर ये क्या है, धावक है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान सरकार की कौन सी योजना, आपको बताना है कि कौन सी योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में राशन दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, बी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सी है प्रधानमंत्री जनधन योजना और डी है प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए।
और सभी तरह के एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 94,954, बी है 88,200 रुपये, सी है 92,085 रुपये और डी है 76,464 रुपये। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 94,954 रुपये, 94,954 रुपये। देखिए वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में मात्र 2,869 रुपये की क्या है कि बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, और अगर प्रति माह के हिसाब से देखें तो यह बढ़ोतरी क्या है 239 रुपये की रही। और वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार क्या है, वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय जो सालाना थी वो कितनी थी, 94,954 रुपये थी, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में जो प्रति व्यक्ति आय सालाना थी वो कितनी थी, 92,085 रुपये थी। अब देखिए इस प्रकार वित्त वर्ष 2019 और 20 में क्या है, प्रति माह एक व्यक्ति की आय 7,912 रुपये रही, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में प्रति माह एक व्यक्ति की आय कितनी थी, 7,673 रुपये थी। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर जो है, हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या है, आर्थिक विकास दर कितनी थी। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 3.4%, बी है 4.2%, सी है 4.5% और डी है 4.85%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 4.2%। देखिए हाल ही में सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही और समूचे वर्ष के क्या है आंकड़े जारी किए हैं, और जनवरी मार्च 2020 में तिमाही में जो है क्या है जीडीपी की वृद्धि दर महज 3.1% रही है, और पूरे वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आर्थिक विकास दर कितनी रही है, 4.2% रही है, और इसके पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में 6.1% की वृद्धि दर हासिल की गई थी, लेकिन इस साल कितनी है, 4.2% है। आर्थिक विकास की यह दर पिछले 11 वर्षों के क्या है न्यूनतम स्तर पर है, मतलब 11 वर्ष के पिछले निचले स्तर पर है, और वित्त वर्ष 2020-21 में इसके क्या है और नीचे जाने के आसार हैं, और यह स्थिति न सिर्फ वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के सपने से दूर कर सकती है, बल्कि देश से क्या है कि गरीबी और बेरोजगारी मिटाने की तमाम कोशिशों को भी क्या एक झटका लगा सकती है। देखिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 की अंतिम तिमाही जो है जनवरी मार्च में कृषि खनन व सरकारी प्रशासन व संबंधित सेवाओं के अलावा अन्य सेक्टरों की जो स्थिति है वो सुधरी नहीं है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है कितनी, 1.4% की गिरावट हुई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 2.1% की वृद्धि हुई थी। देखिए बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2.2% की गिरावट हुई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में कितनी थी, 6% की वृद्धि हुई थी। और सर्विस सेक्टर में क्या है, होटल रेस्टोरेंट ट्रांसपोर्ट और संचार जैसी सेवाओं की वृद्धि दर 6.9% से गिरकर कितनी रह गई है, 2.6% रह गई है। और ऐसे ही वित्तीय सेवा सेक्टर उसमें क्या है कि वृद्धि दर 8.7% से घटकर कितने पर आ गई है, 2.4% पर रह गई है या आ गई है। और बेहतर स्थिति इस किस्म है सिर्फ कृषि की रही है, जिसकी विकास दर क्या है जनवरी मार्च 2019 में दर्ज 1.6% से बेहतर होकर जनवरी मार्च 2020 में 5.9% हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर जो है, हाल ही में बेजान दारूवाला, किनका, बेजान दारूवाला का निधन हो गया, आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है इतिहासकार, बी है पर्यावरणविद, सी है पत्रकार और डी है ज्योतिषाचार्य। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है ज्योतिषाचार्य। चलिए बढ़ते हैं अपने नवे प्रश्न की ओर, हाल ही में निजी क्षेत्र के कौन से बैंक ने डिश टीवी की 24% से अधिक की हिस्सेदारी का क्या किया है, अधिग्रहण किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है आईसीआईसीआई बैंक, बी है एचडीएफसी बैंक, सी है यस बैंक और डी है कोटक महिंद्रा बैंक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है यस बैंक। देखिए हाल ही में निजी क्षेत्र के यस बैंक ने क्या किया है, डिश टीवी की 24% से अधिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, और बैंक ने कहा है कि डिश टीवी व कुछ अन्य कंपनियों ने क्या किया था कि ये शेयर जो थे कर्ज के एवज में गिरवी रखे थे, और कर्ज के भुगतान में चूक के कारण इन शेयरों का क्या किया गया है, अधिग्रहण किया गया है। और बैंक ने शेयर बाजारों को यह भी बताया कि 24.19% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है,
और बैंक ने यह भी बताया है कि शेयर कितने हैं, 44,53,48,990 रुपए के हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में भारत का एकमात्र कौन सा खिलाड़ी शामिल है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है रोहित शर्मा, बी है महेंद्र सिंह धोनी, सी है विराट कोहली और डी है पीवी सिंधु। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है विराट कोहली। देखिए फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में भारत के कौन है, विराट कोहली का नाम शामिल है। और विराट कोहली ने क्या है, 2.6 करोड़ डॉलर की कुल कमाई के साथ इस सूची में कौन से स्थान पर जगह बनाई है, वो बनाई है 66वें स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है 31 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है विश्व कैंसर दिवस, बी है जैव विविधता दिवस, सी है तंबाकू निषेध दिवस और डी है मलेरिया दिवस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है तंबाकू निषेध दिवस। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया है, अपने संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है चीन, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है ब्रिटेन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है अमेरिका। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सभी संबंध समाप्त करने की क्या की है, घोषणा की है। और उन्होंने क्या कहा है कि WHO उन सुधारों को आगे नहीं बढ़ा पाया जिसकी बेहद जरूरत थी। और चीन से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो WHO ने क्या किया कि दुनिया को इसके बारे में गुमराह भी किया। और ट्रंप ने क्या कहा था कि WHO पर चीन का पूरा पूरा नियंत्रण है। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 194 है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, इथोपिया के डॉक्टर ट्रोडोस एड्रेनोम गैब्रेयस। और इसके दो उपमहानिदेशक हैं कौन कौन है, सौम्या स्वामीनाथन और जेन एलिसन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था? और ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 1972, बी है 1975, सी है 1987 और डी है 1966। दोस्तों आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट के द्वारा आप अपनी फीडबैक दीजिए और साथ साथ में हमारा जो क्वेश्चन है हमने पूछा आज का, उसका उत्तर दीजिए। और आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ हम आप क्या कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के पुराने जो वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हैं। और आपके लिए देखना भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें उन सब से भी क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आपने पुराने करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि जितने भी वीडियोस हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं कि उन वीडियोज़ की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं कल के अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।